Audio Jungle. So now students, today I am going to start chapter 5, Continuity and Differentiability, class 12th, exercise 5.2. Differentiate the function with respect to x in exercise 1 to 8. यानी 1 to 8 question को हमें differentiation करना है with respect to x. अब students, video start करने से पहले please आप लोगों से request है कि अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो कर लीजिए. अब student देखिए, डिफ्रेंसिएशन के क्वेश्चंस को करने के लिए हम चेन रूल अप्लाई करते हैं जो यहाँ पे हमने कॉर्नर में लिख रखा है, यानी dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt इनटू dt अपॉन dx. अब स्टूडेंट, चेन रूल का अप्लाई हम कब करते हैं? देखिए, जैसे y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिखा है, तो हमने डिफ्रेंसिएशन जो है वो साइन एक्स का पढ़ा है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का नहीं पढ़ा है. तो इस एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हम t मान लेंगे. तो अब हमारे जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी? साइन टी होगी. ठीक है, अब इसके बाद चेन रूल वाला हम फॉर्मूला लिख देंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt. क्योंकि y अब t का फंक्शन हो गया तो इसलिए dy अपॉन dt, और जो t है वो यहाँ पर x का फंक्शन हो गया तो dt अपॉन dx लिख देंगे. ठीक है, अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो d जो y की वैल्यू है वो t के टर्म में हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा d अपॉन dt और ये हो जाएगा साइन t इंटू डी अपॉन डी एक्स. अब जो टी की वैल्यू हम लिखेंगे वो एक्स के टर्म में लिखेंगे, ये चीज याद रखना है. ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि जिसको हम टी मानते हैं उसका डिफरेंशिएशन फिर से कर देते हैं. इस सब पूरे प्रोसेस का मीनिंग यही है स्टूडेंट्स, कि जिसको हमने एस्यूम किया था, यानी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का नहीं पढ़ा हमने, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हमने एस्यूम कर लिया टी के इक्वल, या उसको मन में मान लीजिए, इतना प्रोसीजर नहीं करना. तो जिसको हम एस्यूम करते हैं उसका डिफरेंशिएशन फिर कर देते हैं, इसका यही मीनिंग है और कुछ नहीं है. तो देखिए, कॉस टी आ जाएगा यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आ जाएगा 2x, क्योंकि 5 कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन प्लस 0 हो जाएगा. तो ये आ गया हमारा 2x cos, अब t की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें करना था, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. अब देखिए, हम सेकंड वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे. ठीक है, डायरेक्ट क्या करेंगे कि साइन एक्स को हमने t माना है. ठीक है, तो जिसको हमने t माना है उसका हम डिफ्रेंशिएशन फिर कर देंगे. ठीक है, तो देखिए cos साइन एक्स है तो cos एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन. ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो ही रहेगा. ठीक है, क्योंकि इसको हमने टी माना है, और इसको हमने जिसको टी माना है इसका डिफरेंशिएशन हम फिर कर देंगे, यानी डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो माइनस साइन साइन एक्स. यहां पर हमने इसको डिफरेंशिएशन करके लिखा है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ये आ गया कॉस एक्स. यही स्टूडेंट इसका आंसर हो गया. ठीक है, चलिए थर्ड वाले में थोड़ा सा और हम बढ़ा ही देते. देखिए, डी वाई अपॉन डी एक्स. ठीक है, फिर यहाँ पे लिख दीजिए डी अपॉन डी एक्स. यहाँ हमने डायरेक्ट कर दिया था, यहाँ डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, साइन ए एक्स प्लस बी. ठीक है, अब चूंकि इसमें हम ए एक्स प्लस बी को टी मानेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ए एक्स प्लस बी का हम फिर कर देंगे. अब साइन ए एक्स प्लस बी का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि इसको हमने मान लिया, और ax plus b का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो a आएगा, क्योंकि ax का a होगा, b कांस्टेंट है तो उसका 0 हो जाएगा. तो ये आ गया आंसर a cos ब्रैकेट के अंदर ax plus b. ठीक है, तो ये स्टूडेंट तीन आपके क्वेश्चन इस तरीके से करने थे. फिर इसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या, देखिए इसमें दो बार हमें एस्यूम करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसको मान करके भी हमें करना ही पड़ेगा. चलिए इसका देखिए, इसको हम लिख देते y इज इक्वल टू sec 10 रूट एक्स. ठीक है, अच्छा अब चलिए हम इसको जो भी मानना वो मान लीजिए, 10 रूट एक्स को पहले मान लीजिए, 10 को मत मानिए. ठीक है, पहले ये हम किए ले रहे कि रूट एक्स इज इक्वल टू हमने u मान लिया, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, sec 10 u.
ठीक है, फिर इसके बाद हम टेन यू को जो है वो टी मान लेंगे। तो y बराबर कितना आ गया, sec t आ गया, ठीक है, y बराबर sec t आ गया। तो देखिए अब जो फॉर्मूला हमारा होगा वो क्या बनेगा, dy अपॉन dx, y किसके टर्म में है, t के टर्म में है, तो dy अपॉन dt आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ अपॉन में dt है तो यहाँ ऊपर भी dt आएगा, क्योंकि लास्ट में केवल dx रहेगा, dy अपॉन dx हमें चाहिए। तो t किसके टर्म में है, यहाँ पे देखिए t u के टर्म में है, तो dt अपॉन du हो गया। ठीक है, फिर यहाँ नीचे du है तो यहाँ ऊपर भी du हो जाएगा, अपॉन लास्ट में dx आ जाएगा अपॉन, बस इसके अकॉर्डिंग करना है। तो देखिए d अपॉन dt, तो y की वैल्यू t के टर्म में लिख दीजिए, तो ये आ गया sec t। ठीक है, फिर हो गया d अपॉन du, तो t की वैल्यू जो है वो u के टर्म में लिखना है, तो ये हो गया tan u। ठीक है, और u की जो वैल्यू है वो x के टर्म में लिखना है, तो d अपॉन dx रूट एक्स, ये आ गया स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये हो गया। अब इनका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो sec x का डिफरेंशिएशन होता sec x इंटू tan x, तो ये आ गया sec t इंटू tan t। ठीक है, और tan u का जो है वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर u। ठीक है, और रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, जो रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, नहीं तो ये परेशान करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, वन अपॉन टू रूट एक्स, याद रखिए कि इतना होता है इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये हमें याद रखना है, इतना इतना याद रखोगे तो आपको बहुत आसानी होगी। इतना आ गया, अब इनमें सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए sec, फिर ये हो जाएगा t की वैल्यू कितनी है, देखिए t की वैल्यू है tan u, और u की वैल्यू रख देंगे तो tan root x आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा tan और ब्रैकेट के अंदर tan root x। ठीक है, अब sec स्क्वायर u है, तो sec स्क्वायर u की वैल्यू थी root x। ठीक है, तो sec स्क्वायर root x हो गया ये। फिर इसके बाद यहाँ पर इंटू वन अपॉन टू रूट एक्स। ठीक है, तो ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा, फोर्थ वाले क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसी तरीके से देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें डिवाइड वाला रूल लगता है, यानी डी अपॉन डी एक्स फॉर्मूला ये होता है यू अपॉन बी। ठीक है, तो b इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस u इंटू डी बी अपॉन डी एक्स अपॉन में, ठीक है, जो डेनोमिनेटर होता है, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इसमें लगता है स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे हम करेंगे क्या, हम साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन अलग से निकाल लेंगे, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन में। साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे स्टूडेंट्स, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, और ए एक्स प्लस बी का हम फिर से कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इसी तरीके से इसका आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, कॉस सी एक्स प्लस डी। तो जब इसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये हो जाएगा माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी, इतना आ गया स्टूडेंट। अब इस फॉर्मूले में देखिए ये हमारा यू हो गया और ये बी हो गया, तो इसकी वैल्यू हम रख देंगे, ये हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, यू की वैल्यू ये हो गई साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, फिर माइनस, ठीक है, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए हम इसको यहाँ लिखे दे रहे। अब ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी और डी अपॉन डी एक्स कॉस सी एक्स प्लस डी, इतना आ जाएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, क्योंकि इसका स्क्वायर कर देते। ठीक है, बस अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी हमारा सेम आ जाएगा।
ठीक है, अब साइन ए एक्स प्लस बी का हम यहाँ पर ये लिख चुके हैं, ये डिफरेंशिएशन है, तो इसको लिख दीजिए ए कॉस, ठीक है, ए एक्स प्लस बी, ये आ गया, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, ये इतना हो गया, और कॉस का हमने कॉस का किया था तो ये आया था माइनस सी साइन, ठीक है, माइनस, चलिए इधर लिख दीजिए माइनस सी साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है, इनटू लगा करके ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हमें करना था, ठीक है, बस आप चाहें तो आप इनको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि अब देखिए ये ए जो है इसको हम पहले लिख देंगे ए कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक है, और कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये इतना यहां से अलग है, फिर माइनस, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा सी साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन सी एक्स प्लस डी। अब देखिए इसके अपॉन में ये लिख दीजिए कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और इसके अपॉन में लिख दीजिए कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब देखिए एक कॉस सी एक्स प्लस डी यहाँ है और ये दो यहाँ पर है, तो एक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो आंसर आ जाएगा उस तरीके से उसको लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी, और नीचे जो बचा था कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा sec सी एक्स प्लस डी, ठीक है, और फिर आ जाएगा प्लस, और इसी तरीके से ये आ जाएगा सी साइन ए एक्स प्लस बी, ठीक है, और साइन सी एक्स प्लस डी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी ये हो जाएगा टेन टेन सी एक्स प्लस डी, ठीक है, और इनटू में ये और आ जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी। इस तरीके से था, और कुछ नहीं उसके सॉल्व करने में है, जो बाकी उस क्वेश्चन में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो इसी तरीके से इसमें दो फंक्शन है, ठीक है, तो इसमें डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, यू इंटू बी वाला रूल लगेगा, ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन होता और सेकंड का डिफरेंशिएशन, यानी यू डी वी अपॉन डी एक्स प्लस बी, और यहां पर आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो पहले हम देखिए इन दोनों का अलग से फाइंड कर लें तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसको यू मान लिया इसको बी मान लिया साइन स्क्वायर एक्स की पावर फाइव, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम डी यू अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो कॉस एक्स क्यूब का हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, ठीक है, और जिसको हमने टी माना था उसका हम फिर से कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, और इसका आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये डी यू अपॉन डी एक्स आ गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे डी वी अपॉन डी एक्स। अब इसमें स्टूडेंट दो चीजें हो गई, ठीक है, देखिए इसको हम कितना लिख दें, अगर इसको हम इस तरीके से लिख दें, इसको अगर हम लिख दें साइन, ठीक है, एक्स की पावर फाइव, ठीक है, का होल स्क्वायर, क्योंकि इसका मतलब यही है, ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम साइन एक्स की पावर फाइव को टी मान लें, साइन एक्स की पावर फाइव को टी मान लें तो ये टी स्क्वायर बन जाएगा, या पहले एक्स की पावर फाइव को मान लो, ठीक है, चलिए तो अगर हम इसको माने यू इज इक्वल टू एक्स की पावर फाइव, ठीक है, यू इज इक्वल टू, तो बी बराबर क्या हो जाएगा साइन यू का
होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम साइन यू को टी मान लें तो बी बराबर हो जाएगा कितना, टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो अब हमें निकालना है डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो देखिए डी वी अपॉन डी टी आ जाएगा और डी टी अपॉन डी यू आ जाएगा और ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो ये हो गया डी अपॉन डी टी टी स्क्वायर, ठीक है, और टी जो है वो यू के टर्म में हो गया, तो डी अपॉन डी यू साइन यू, ठीक है, और ये हो गया डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 5, ठीक है। तो टी स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन 2t हो गया, साइन यू का हो गया कॉस यू और x की पावर 5 का हो गया 5 इंटू एक्स की पावर 4। अब वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 साइन, ठीक है, x की पावर 5, t की वैल्यू हो गई साइन u और u की वैल्यू हो गई x की पावर 5 इंटू कॉस x की पावर 5, ठीक है, इंटू 5 x की पावर 4। तो अब इसको अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10 x की पावर 4, ठीक है, और इसको हम चाहें तो भी लिख सकते, चलो ऐसे ही रहने दो, फिर बाद में देखते, साइन x की पावर 5 और कॉस x की पावर 5। बस अब इसको स्टूडेंट्स हमें अरेंज कर देना है, ठीक है, बस अब कुछ नहीं है। अब यहां पर देखिए इस फॉर्मूले में ये हम वैल्यू रख देंगे, देखिए u, तो u का मतलब हो गया cos x cube, ठीक है। अब dv अपॉन dx हमने यहाँ पे निकाला है अपना, ये निकाला dv अपॉन dx, जितना आया इसको यहाँ लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 10 x की पावर 4 sin x की पावर 5 इंटू cos x की पावर 5, ठीक है, प्लस d की वैल्यू कितनी है, ये है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है, चाहे तो ये ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर डी यू अपॉन डी एक्स कितना था, ये इतना है हमारा माइनस 3x² और साइन एक्स क्यूब, ठीक है, बस इसी को अरेंज करके यही आंसर आ जाएगा। अब इसी को अरेंज कर दीजिए, यहाँ पे माइनस लगा के उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए एक लाइन और हम लिख दें, तो कॉस एक्स क्यूब, तो अब स्टूडेंट 10 पहले लिख दीजिए, नंबर हम पहले लिख देंगे, ठीक है, नंबर को हम पहले लिख दें, तो ये हो, ये आ जाएगा 10 x की पावर 4 cos x क्यूब sin x की पावर 5 इंटू cos x की पावर 5, ठीक है, माइनस 3x², ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, ठीक है। तो यही स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका, तो इस तरीके से करना था। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।